हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मोस्टली इन्वेस्टर किसी खबरों वाले शेयर में या टिप्स के बेसिस पे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता कि टिप्स के बेसिस पे या खबरों वाले शेयर जिस स्टॉक में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंडामेंटल वाइज किस तरह का है, क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं। जस्ट खबरें सुन लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, टिप्स कहां से मिल गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन उस अगर इसी तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम टाइम पैसा नहीं बनेगा। जिस दिन किस्मत अच्छा है उस दिन तो पैसा बन जाएगा, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देता है। स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस, बिजनेस की तरह ही देखना चाहिए। एक बिजनेस को ओपन करने के लिए, एक बिजनेस में पैसा लगाने के लिए उस बिजनेस के बारे में जानना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, तब जाके पैसा लगाना चाहिए। मार्केट में हमेशा उसी स्टॉक में पैसा बनता है जिस कंपनी का फंडामेंटल बहुत सही हो, फाइनेंशियल बहुत सही हो, मैनेजमेंट क्वालिटी, जो बिजनेस को चला रही है मैनेजमेंट, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं बिजनेस, उसी तरह कंपनी में पैसा बनता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं इधर में दावे के साथ कह सकता हूं, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ये कुछ पता ही नहीं, ठीक है, आग बंद करके ब्लाइंडली किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया इधर उधर में टिप्स फॉलो करके या खबरें सुन के। इसीलिए स्टॉक मार्केट में 99% रिटेल इन्वेस्टर फेल होता है, सिर्फ 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर से किसी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। तो आज मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो आगे चल के इन्वेस्टर को एक्सेलेंट रिटर्न बना के दे सकते हैं। कंटिन्यूअसली रिटर्न बन रहा है, लेकिन आगे भी रिटर्न कंटिन्यूअसली बनेगा क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और ये सारा स्टॉक अच्छा वैल्यूएशन के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। पूरे डिटेल्स में तो अब बात नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी सारे कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे और टेक्निकल के बारे में जानेंगे कि इस प्राइस पे बाई करना चाहिए, सही प्राइस क्या होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप। एंड अगर आप सही स्टॉक को सही प्राइस पे जानना चाहते, अगर आप प्राइस छोड़ना नहीं चाहते, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का एनालिसिस करते रहता हूं जो सही स्टॉक होता है और सही प्राइस पे होता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, फायदा आपको होने ही वाला है। दोस्तों, पहला स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, शायद सभी के चाहता स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है। 1970 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड इंडिया लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फाइन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता है, और अपने इंडस्ट्री में पूरी तरह से मार्केट लीडर है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, मोनोपोली बिजनेस करता है। देखिए साफ साफ इधर में लिखा है, दीपक नाइट्राइट DNL इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रस्टेड केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी इन इंडिया, 30+ प्रोडक्ट कंपनी के हाथ में अवेलेबल है, 56 एप्लीकेशन कंपनी डेवलप कर चुका है और मोर देन 1000 क्लाइंट है कंपनी के हाथ में। और दोस्तों, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड या DNL फिनोल एंड एसीटोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बहुत दिनों से दीपक नाइट्राइट लिमिटेड अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से कंपनी खराब नहीं होता, कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, रॉकेट के स्पीड से बिजनेस ग्रो कर रहा है, सिर्फ 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप क्षेत्र का स्टॉक आप कह सकते हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड को, 42 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, वैल्यूएशन इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। इस साल कंपनी ने 791 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, ईपीएस की बात करो 58 चल रहा है और ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी आई है, एंड डेट कुछ है नहीं, 66 करोड़ का डेट दिखा रहा है, मतलब दीपक नाइट्राइट लिमिटेड 100% डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो देख के पता लग जाएगा 0.02, प्रोमोटर के पास 49% से ज्यादा का शेयर है, प्लेस्ड करके नहीं रखा है, रिटर्न ओवर द 3 इयर्स 11.6% और 5 साल का रिटर्न 56%। दोस्तों, 3 साल का रिटर्न हिस्ट्री देख के आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए कितना बढ़िया है, यही होता है क्वालिटी कंपनी। क्वालिटी कंपनी कितना भी अंडर परफॉर्म करे क्यों ना, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के ही देता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। मोस्टली दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और हाईली ग्रो कर रहा है। अभी तो जस्ट 2,493 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, पहले देखिए स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन आया था लाइफ टाइम हाई से, स्टॉक ऑलमोस्ट 16% गिर गया था। अगर मैं एक साल की बात करूं, ठीक है,
फिर इधर से देखिए कितना बड़ा तेजी देखने को मिला। देखिए पूरी तरह से स्टॉक जो है रिकवर कर चुका है और रिसेंटली दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। स्टॉक ये जो मेजर रेसिस्टेंट 2300 लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करके भी 2493 रुपीस में चल रहा है। अगर दीपक नाइट्रेट लिमिटेड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो करंट मार्केट प्राइस मौजूदा सिचुएशन में इस दीपक नाइट्रेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल के साथ साथ अभी दीपक नाइट्रेट लिमिटेड का टेक्निकल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड, सभी लोग जानते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। आईटी कंपनी है, इंडिया लार्जेस्ट आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड, और निफ्टी का भी स्टॉक होता है विप्रो लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। और देखिए फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी आईटी सेक्टर में बिहाइंड द टीसीएस इंफोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। 97% रेवेन्यू विप्रो लिमिटेड सिर्फ आईटी सर्विस से ही कमाता है। बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है विप्रो लिमिटेड, और विप्रो लिमिटेड को लाने की सिर्फ एक ही वजह है, इस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक बन गया है विप्रो लिमिटेड। क्योंकि देखिए स्टॉक का जो अभी पी चल रहा है 22 के पी पे अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और इस इंडस्ट्री में जो पियर्स कंपनी है चाहे वो टीसीएस लिमिटेड को ले लो, इंफोसिस लिमिटेड को ले लो, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सबके कंपैरिजन में पी आपको सस्ता ही मिलेगा विप्रो लिमिटेड का। देखिए 21 के पी पे अभी ऑलमोस्ट मिल रहा है। पूरे सेक्टर का सस्ता स्टॉक है विप्रो लिमिटेड, और फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 11,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईपीएस भी 21 चल रहा है, डेट बहुत ही लो है, 16,000 करोड़ का डेट है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी है, इसलिए जो 16,000 करोड़ का डेट ये इसके सामने बहुत छोटा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देख के पता लग जाएगा, देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, बहुत ही लोडेड कंपनी है। प्रोमोटर के पास 72% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। रिटर्न आपको कुछ खास नहीं लगेगा क्योंकि रिटर्न कुछ खास नहीं दिया है विप्रो लिमिटेड, लेकिन जिस तरह के सस्ते वैल्यूएशन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का पूरी तरह से सस्ता स्टॉक है। और सेल्स ग्रोथ देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, लेकिन जस्ट विप्रो, इन फ्यूचर प्रॉफिट में तो रिकवर आएगा ही आएगा। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए विप्रो लिमिटेड में, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, 465 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। टेक्निकली अगर बात किया जाए चार्ट के अंदर एक राउंडिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करेक्शन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 14% डिस्काउंट पे लाइफ टाइम हाई से ये स्टॉक मार्केट में मिल रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर देता है, मतलब 600 लेवल को अगर क्रॉस कर देता है विप्रो लिमिटेड, तो डेफिनेटली एक फ्रेश बाइंग हो सकता है। उससे पहले नहीं, मेजर ब्रेकआउट पे विप्रो लिमिटेड में खरीदारी करना चाहिए। जो भी कुछ है डाउन ट्रेंड जितना भी होना चाहिए सब कुछ हो जाए, ठीक है, ब्रेकआउट आए तब विप्रो लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे पहले नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक का नाम बताऊं, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पे लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो का हम किस तरह से रिबैलेंस कर रहे हैं, मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, कौन से सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, कौन से सेक्टर आगे बहुत बड़ा परफॉर्म करेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बनेगा, ये गाइड आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जानी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते अपने नाम पे, अगर आपके नाम पे ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके ये सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं। दोस्तों इधर में नेक्स्ट कंपनी का नाम है कैरीसिल लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है, अपने इंडस्ट्री का मोनोपोली स्टॉक है कैरीसिल लिमिटेड। कैरीसिल लिमिटेड काम क्या करता है, कंपनी क्वार्ट्ज किचन सिंक्स एंड स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, बाथ प्रोडक्ट एंड टाइल्स किचन अप्लायंसेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी क्वार्ट्ज किचन सिंक्स इस सेगमेंट में पूरी तरह से मोनोपोली है। ठीक है, किचन सिंक्स जो किचन में लगता है, मैं आपको इमेज के थ्रू इधर में दिखा रहा हूँ, किचन में जो सिंक्स लगता है उस तरह का सिंक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, और कुछ बाथ प्रोडक्ट टाइल्स एंड किचन अप्लायंसेस प्रोडक्ट भी साथ में मैन्युफैक्चरिंग करता है कैरीसिल लिमिटेड।
बहुत क्वालिटी कंपनी है। 1987 कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैनेजमेंट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। जस्ट स्मॉल कैप कंपनी है, 2500 करोड़ का कंपनी है। दोस्तों इधर से अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ भी चला जाए, जिस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी डील करता है, 10,000 करोड़ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली चला जाएगा 10,000 करोड़ मार्केट कैप, तो इन्वेस्टर का फंड ऑलमोस्ट 5-6 गुना हो जाएगा। 1,00,000 रुपया अगर कैरिसी लिमिटेड में कोई लगाएगा तो स्मूथली 5,00,000 रुपया बन जाएगा। अगर 5,00,000 रुपया कोई लगाएगा तो 25,00,000 रुपया बनाने की दम रखते हैं कैरिसिल लिमिटेड, और 46 के मल्टीप्लाई पी पे चले, इतना वैल्यूएशन भी बहुत हाईफाई तो नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, अभी तो जस्ट डबल डिजिट पे प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाएगा। ईपीएस की बात करो 20 चल रहा है, डेट 213 करोड़ का है, बहुत ही लो डेट कंपनी, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 को क्रॉस नहीं किया है। प्रोमोटर के पास 43% से ज्यादा का शेयर है, प्लेस तो करके नहीं रखा है। रिटर्न देखिए कितना बढ़िया देता है, 3 साल का एवरेज रिटर्न 42% और 5 साल का एवरेज रिटर्न 55%। इन्वेस्टर के फंड रॉकेट के स्पीड से ग्रो हो रहा है, रिटर्न का बारिश हो रहा है कैरिसिल लिमिटेड में, और बढ़िया बिजनेस चल रहा है, आगे भी रिटर्न चलेगा। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। बिजनेस तो पूरी तरह से रॉकेट के स्पीड से ग्रो हो रहा है कैरिसिल लिमिटेड का, और ऊपर से अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। टेक्निकली बात किया जाए 955 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन अभी नहीं, ब्रेकआउट पे, मतलब ये जो जो जोन है इसको अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब शेयर प्राइस अगर 1000 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली कैडिसी लिमिटेड में फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, उससे पहले नहीं। दोस्तों ये तो सारा स्टॉक जो अभी हमने सेक्टर में बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है, इनमें से कुछ स्टॉक तो मैं आप लोगों को दिखाया, बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे चल रहे, पूरे इंडस्ट्री का सस्ता स्टॉक है विप्रो मिल रहा है, और कैडिसी लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट तो मोनोपोली क्रिएट करके रखा है अपने इंडस्ट्री में, मार्केट लीडर है, ये सब स्टॉक को चलना ही है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर स्टॉक में कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ देख के रिसर्च करके, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेगा। ये स्टॉक ही इन्वेस्टर को बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा, 2-3-4-5 गुना 10 गुना रिटर्न बन सकता है मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों किसी तरह के रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मतलब मेरे बातों में आके आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दे ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जो कि मैं पहले आप लोगों को बोला कि इधर उधर का टिप्स फॉलो करके किसी खबरों वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, खुद रिसर्च करें, जिस स्टॉक में पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए और भी डीप रिसर्च करें। मैं तो आप लोगों के साथ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इतना ज्यादा डीपली एनालिसिस नहीं किया। आप इस सारे स्टॉक के ऊपर रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके डेफिनेटली ये सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सही स्टॉक को सही प्राइस पे जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का एनालिसिस करता रहता हूँ, जो सही स्टॉक होता है सही प्राइस पे होता है। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जानी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पोर्टफोलियो का हम किस तरह से रिबैलेंस करें, कौन से सेक्टर आगे अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, कौन से सेक्टर में ऑलरेडी टेलविंड चल रहा है, मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। मतलब किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा पैसा बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकते हैं, आप जान पाएंगे टाइम टू टाइम, अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो। जल्दी चाहिए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है आपके नाम पे, तो दूसरा डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी डीमैट अकाउंट ओपन करके ये सर्विस भी आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं।